हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया था, तो आज नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी ही शुरू करते हैं सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल में जो बातें हमको याद रखनी है, जो समझना है, वो क्या है वो देखते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल क्या है? तो कहेंगे नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कैसे, जरा देखें। मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। तो सेल मेम्ब्रेन ये हो गई सेल वॉल और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो दिखने में दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर बाहर पाई जाती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, क्या बनाती है? फॉर्म्स आउटर बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली किसमें? इन फंजाई एंड प्लांट। काम की बात यह है कि ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ फंजाई और प्लांट में ही सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल कई और लोगों में है, लेकिन यूकेरियाट की बात करेंगे तो यूकेरियाट में दो मेन लोग हैं जिसमें हम कहेंगे फंजाई और प्लांट्स। और जब हम प्लांट्स कहते हैं तो प्लांट्स में हमको एल्गी भी आते हैं और हायर प्लांट आते हैं। तो ओवरऑल दो बातें आप रट लीजिएगा अलग से। क्या सेल वॉल प्रेजेंट, किसमें किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट होने में कम से कम एक तो बैक्टीरिया याद रखिएगा, ठीक है, दूसरा फंजाई याद रखिएगा, तीसरा एल्गी याद रखिएगा और चौथा हायर प्लांट याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा सेल वॉल एब्सेंट किसमें है, सेल वॉल एब्सेंट अगर पूछेगा तो फिर हम लोग इसमें सबसे पहले तो आप एनिमल याद रखेंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट है। एक और याद रखेंगे माइको प्लाज्मा, ठीक है, दो में एब्सेंट है। इसके अलावा स्पेशली एक प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसका नाम प्लांट गैमीट सेल। तो प्लांट गैमीट सेल, प्लांट गैमीट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इन जनरल एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, ठीक है। स्लाइम माउल्ड में भी क्या है? एब्सेंट है, लेकिन स्पेशली लिखना नहीं हमको। एब्सेंट में दो नाम याद रखेंगे और प्रेजेंट में कम से कम चार नाम, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और हायर प्लांट याद रखेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि चूंकि सब में सेल वॉल है तो फिर सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है, तो वो देख लेते हैं, या पहले फंक्शन ही देख लेते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अगर हम फंक्शन की बात करें,
तो फंक्शन में सबसे पहला एनसीईआरटी में जो लिखा है वो है शेप ऑफ सेल, शेप कैसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, शेप है। शेप के अलावा दो तीन और इम्पॉर्टेंट काम है। क्या? जैसे जैसे दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। ठीक है, दूसरा, तीसरा इसका काम है ये बैरियर का काम करता है, बैरियर फॉर अनडिजायरेबल मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो मतलब बड़े मालिक्यूल, तो अगर बड़े बड़े मालिक्यूल और अनडिजायरेबल हैं तो वो सेल के अंदर ना जाने पाए, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, सेल की है। इसके अलावा सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी क्या करती है, मदद करती है, या कह सकते हैं कि इंटर सेलुलर जंक्शन बनवाने में भी हेल्प करती है। तो एक जनरल बातें हैं, इसमें से कम हम ये जरूर याद रखेंगे, ये दो पॉइंट। शेप ऑफ सेल कौन बनाता है, सेल वॉल बनाता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, सेल को इन्फेक्शन से भी कौन बचाता है, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, सेल वॉल। अब सवाल आता है कि सेल वॉल किसकी किससे बनी होती है। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकान। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकान की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल वॉल ऑफ फंजाई की किसकी बनी होती है, तो आंसर देंगे काइटिन एंड पॉली सैकेराइड। ठीक है, तो काइटिन और पॉली सैकेराइड की बनी होती है किसकी, फंजाई की। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी की किसकी बनी होती है, तो आंसर देखो क्या देंगे, सेलुलोज देंगे, गैलेक्टन देंगे, माइनन देंगे एंड मिनरल। और मिनरल कौन सा बेटा, मिनरल के नाम पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये आंसर हम किस में देंगे, ये एल्गी में देंगे। सेल वॉल ऑफ एल्गी किसकी बनी है, तो सेलुलोज की, गैलेक्टन की, माइनन की और मिनरल, और मिनरल में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन इसी तरीके से पूछेगा सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट की किसकी बनी होती है, तो फिर से आंसर देंगे सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पेक्टिन एंड प्रोटीन। चार चीज चाहिए, क्या क्या, सेलुलोज चाहिए, हेमी सेलुलोज चाहिए, पेक्टिन चाहिए और प्रोटीन। काम की बात आपको दिखाई पड़ जाएगी। देखो, एल्गी में भी सेलुलोज लिखा है, हायर प्लांट में भी सेलुलोज लिखा है, लेकिन ना तो बैक्टीरिया में सेलुलोज लिखा हुआ है, ना तो फंजाई में सेलुलोज लिखा है, तो किसकी किसकी सेलवाल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, या नॉन सेलुलोजिक सेलवाल होती है। तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा नॉन सेलुलोजिक
सेलुलोजिक सेल वॉल। तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल में हम लोग आंसर देंगे क्या, एक तो बैक्टीरिया देंगे और एक फंजाई देंगे। इसी तरीके से पूछेगा सेलुलोजिक सेल वॉल, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा किसके किसके सेल वॉल में सेलुलोज है, तो सेलुलोजिक, तो सेलुलोजिक में देखो कौन है, एल्गी भी और हायर प्लांट है, तो इसमें आंसर हम लोग देंगे एल्गी एंड हायर प्लांट। ठीक है, तो ये अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकान की, फंजाई किसकी बनी है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की, एल्गी किसकी बनी है, सेलुलोज की, गैलेक्टन की, माइनन की और मिनरल। इसके अलावा एल्गिन और पॉलीसल्फेट एस्टर भी आपको एल्गी में मिलेगा, अभी आगे हम लोग ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी पढ़ेंगे, तो उसमें अलग अलग एल्गी की सेल वॉल थोड़ी थोड़ी अलग होती है, लेकिन बेसिक बातें यहाँ दी है। इसके अलावा हायर प्लांट की बात करें तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन पाई जाती है। एक और याद रखिएगा, कौन है जिसकी सेलवाल में प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन कहाँ मिलेगी, आंसर देंगे हायर प्लांट। किसमें किसमें सेलवाल में सेलुलोज है और किसके किसके सेलवाल में सेलुलोज नहीं है, तो ये भी याद रखेंगे। तो नहीं में कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई, और होने में कौन है, एल्गी और हायर प्लांट। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी पर्टिकुलर यंग प्लांट, अगर हम किसी पर्टिकुलर यंग प्लांट को ध्यान से देखें, तो ये मान लेते हैं कि यंग प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है और ये यंग प्लांट की सेल वॉल है। ये मान लेते हैं कि सेल वॉल है और ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। तो किसी पर्टिकुलर यंग प्लांट की जो सेलवाल होती है, यंग प्लांट की जो सेलवाल होती है, उस सेलवाल को कहते हैं प्राइमरी वाल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइमरी वाल। और इसकी खास बात देखो, ये जो प्राइमरी वाल होती है, इसकी दो खास बातें होती हैं। पहली खास बात ये होती है कि ये कैपेबल फॉर ग्रोथ, इसमें ग्रोथ हो सकती है, एक इसकी ये खास बात होती है, और दूसरी खास बात ये होती है कि ये डिमिनिश होती है, डिमिनिश्ड एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, ये जो प्राइमरी वॉल है ये क्या होती है, डिमिनिश। तो फिर क्या होगा, ये जो यंग प्लांट सेल है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी मैच्योर प्लांट सेल। अब मैच्योर प्लांट सेल की स्थिति देखो क्या होगी, किसी मैच्योर प्लांट सेल की बात करेंगे तो मैच्योर प्लांट सेल में मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये प्राइमरी वाल है जो पहले से ही थी, और अब धीरे धीरे क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे ये बेटा कि यहाँ एक नई वाल बन रही है। यहाँ देखिए काम की बात सुने, यंग प्लांट सेल की जो सेल वाल है उसको हम लोग प्राइमरी वाल कहते हैं, इसमें ग्रोथ हो सकता है लेकिन ये डिमिनिश होती है जैसे जैसे सेल मैच्योर। तो जब सेल मैच्योर होगी तो चेंज देखो क्या आएगा, जब सेल मैच्योर होगी तो एक नई सेल वाल बनेगी, एक नई सेल वाल बनेगी जो प्राइमरी वाल के अंदर होगी, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी। अब नाम लिख लेते हैं, ये तो हो गए बेटा प्राइमरी वाल जो सबसे बाहर है, और जो नई वाल बनी है इसका नाम सेकेंडरी वाल। फिर ये क्या होगा, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो मैच्योर प्लांट सेल की खास बात समझ लो क्या है, मैच्योर प्लांट सेल में सेकेंडरी वाल बन जाएगी, सेकेंडरी वाल बन जाएगी किधर की तरफ,
टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन बेटा और आप याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर मेच्योर प्लांट सेल को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बाहर क्या है, प्राइमरी वाल, उसके बाद सेकेंडरी वाल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, तो उसके बाद हमको साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, एक और खास बात हमको याद रखना है, खास बात यह है कि दो पर्टिकुलर प्लांट सेल के बीच में, दो पर्टिकुलर प्लांट सेल के बीच में एक मटेरियल पाया जाता है जो एक प्लांट सेल को दूसरी प्लांट को होल्ड रखता है, और उस मटेरियल को हम इसके बाहर इंडिकेट दे कर सकते हैं, और ये है मिडिल लैमिला। तो किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल में अगर आपसे बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाए तो सबसे बाहर होगा मिडिल लैमिला, फिर होगी प्राइमरी वाल, फिर होगी सेकेंडरी वाल, फिर होगी सेल मेम्ब्रेन, फिर होगा क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं फिर से ज़रा रिपीट कर देता हूँ, किसी यंग प्लांट सेल की जो सेल वाल होती है उसको हम प्राइमरी वाल कहते हैं। उसकी खास बात यह है कि इसमें ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर करती है ये डिमिनिश हो जाती है। जब सेल मैच्योर होती है तो देखने को हमको क्या मिलता है, हमको एक नई सेकेंडरी वाल मिलती है जो बनती है किधर की तरफ, इनर टू द प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ या सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। कैसे, जरा देखो, सबसे बाहर प्राइमरी वाल होगी, उसके नीचे सेकेंडरी वाल होगी, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा, तब साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन दो प्लांट सेल के बीच में क्या पाया जाता है, तो आंसर देंगे मिडिल लैमिला। अब थोड़ा सा मिडिल लैमिला के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये एक कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है, और मान लेते हैं ये कोई दूसरी पर्टिकुलर प्लांट सेल है, तो दो प्लांट सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है। दो प्लांट सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है, और इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम मिडिल लैमिला होता है। मिडिल लैमिला पर तीन क्वेश्चन हमको याद रखने हैं, ये बना किसका होता है, तो याद रखेंगे मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, होल्ड या ग्लूड प्लांट सेल टुगेदर, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट सेल को दूसरी पर्टिकुलर प्लांट सेल को एक साथ बांधे रखने की जिम्मेदारी किसकी है, मिडिल लैमिला की है। एक खास बात यहां यह होती है कि जो मिडिल लैमिला है वो एक पर्टिकुलर चीज से आर पार हो जाता है। इधर देखिए जरा, ये पर्टिकुलर प्लांट सेल है, दोनों प्लांट सेल हैं, तो इस पर्टिकुलर प्लांट सेल का ये साइटोप्लाज्म है, इस पर्टिकुलर प्लांट सेल का ये साइटोप्लाज्म है, तो इन दोनों साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ दिया जाता है। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम, साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, प्लांट सेल इंटरकनेक्टेड बाई, अगर आपसे पूछेगा प्लांट सेल इंटरकनेक्टेड बाई, तो आंसर देंगे क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। देखो कैसे ये प्लाज्मोडेस्माटा बन गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट सेल को दूसरे पर्टिकुलर प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से कौन जोड़ेगा, प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, और इसने किसको पार किया है, तो सेल वाल को भी पार किया है, और मिडिल लैमिला। तो पहला सवाल तो ये है
किसको ट्रैवर्स किया है, किसको आर पार किया है, तो कहोगे ट्रैवर्स सिल्वाल एंड मिडिल लैमिला, एक क्वेश्चन याद रखेंगे, और दूसरा इसने क्या किया है, इंटरकनेक्ट किया है, इसको साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग प्लांट सेल, अड़ोस पड़ोस की प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कौन जोड़ता है, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, प्लाज्मो डेस्मेटा, या सेल वॉल और मिडिल लैमेला को आर पार कौन कर देता है, तो भी आंसर हम लोग क्या देंगे, प्लाज्मो डेस्मेटा। ठीक है, तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है कि सेल वॉल क्या है, तो कहोगे नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है, ये क्या बनाती है, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाती है, किसमें, फंजाई और प्लांट में। इसका ये मतलब नहीं निकाल लेंगे कि सेल वॉल केवल फंजाई और प्लांट में है, बैक्टीरिया में भी है, फंजाई में भी है, एल्गी में भी, हायर प्लांट में भी है, किसमें एब्सेंट है, एनिमल सेल में और माइकोप्लाज्मा स्पेशली प्लांट गैमेट सेल में भी एब्सेंट है। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि इसके काम कौन है, तो शेप ऑफ सेल ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, और सेल को प्रोटेक्ट करना है कहाँ से, मैकेनिकल इंजरी से, और कहाँ से, इन्फेक्शन से। साथ में अनडिजायरेबल माइक्रोमालिक्यूल का बैरियर का काम करेगी, सेल टू सेल इंट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो सेल वॉल किसकी किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, फंजाई की काइटिन पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, एल्गी की सेलुलोज गैलेक्टिन माइनन और मिनरल की बनी होती है, और सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट की बात करें, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसमें 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 सेल वॉल में सेलुलोज है, किसमें नहीं है, तो नहीं होने में बैक्टीरिया और फंजाई है, जिनते इनको नॉन सेलुलोजिक कहते हैं, और जिनमें जिनमें है उसमें एल्गी और हायर प्लांट आते हैं। तो खास बातें और हैं, किसी पर्टिकुलर यंग प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। इसकी खास बात है ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, और ये डिमिनिश होती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उसमें एक नई वॉल बनती है जिसका हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। तो सिस्टम ये होता है कि सबसे बाहर प्राइमरी वॉल होती है, फिर सेकेंडरी वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है। हाँ, दो प्लांट सेल के बीच में क्या पाया जाता है, मिडिल लैमिला, तो सबसे बाहर हमको क्या मिल जाएगा, मिडिल लैमिला मिल जाएगा। इसी नाते अगर देखेंगे तो हो क्या रहा है, ये पर्टिकुलर प्लांट, ये पर्टिकुलर प्लांट सेल, ठीक है, और ये क्या है, मिडिल लैमिला है। सेल वॉल और मिडिल लैमिला दोनों को पार कौन कर जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। काम क्या है, इंटरकनेक्ट करना है साइटोप्लाज्म ऑफ द नाइबरिंग प्लांट सेल। ठीक है, मिडिल लैमिला में किस चीज का बना होता है, तो याद रखिएगा मेनली कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, और जिम्मेदारी है होल्ड या ग्लूज द प्लांट सेल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया है, और अब हम अगली इसको जरा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं और फिर अगली हेडिंग एक्सप्लेन करते हैं। है एज यू मे रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नाम क्या है, सेल वॉल क्या बनाएगा, आउटर कवरिंग बनाएगा, किस फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन किसमें, फंजाई और प्लांट्स में। सेल वॉल क्या देगा, शेप तो देगा ही, लेकिन प्रोटेक्ट करेगा सेल को कहां से, मैकेनिकल डैमेज से, और किससे, इन्फेक्शन। ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन या इंटरसेलुलर जंक्शन बनवाने में हेल्प करेगा, और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, तो आंसर देंगे सेलुलोज की, गैलेक्टिन की, माइनन की और मिनरल, और मिनरल में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि अदर हायर प्लांट की बात करें तो इसमें सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज पेक्टिन और क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ये पॉइंट टिक कर लेंगे। जब सेल वॉल, लिखा है सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल,
इसका नाम क्या होता है, प्राइमरी वाल, इसकी खास बात क्या होती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और क्या ये धीरे धीरे क्या होती है, डिमिनिस, जैसे जैसे सेल क्या होती है, मेच्योर, और फिर क्या होता है, सेकेंडरी वाल बन जाती है, कहाँ, ऑन द इनर साइड या टूवर्ड द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। एक और खास बात है, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला किस चीज़ का बना होता है, तो मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो होल्ड या ग्लू करता है डिफरेंट नाइबरिंग प्लांट सेल टुगेदर। सेल वाल और मिडिल लैमिला दो, सेल वाल और मिडिल लैमिला दोनों के आर पार कौन हो जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, और इसका काम क्या है, कनेक्ट करना किसको, साइटोप्लाज्म ऑफ द नाइबरिंग सेल। ठीक है, प्लांट सेल जो अगल बगल के हैं उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कौन जोड़ता है, तो आंसर क्या देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखो कैसे निकला हुआ है, स्थिति यह है कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनेल होते हैं, लेकिन इन मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनेल की खास बात यह होती है कि इनका सबका एक अपना डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इन सब का एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी होता है और डिस्टिंक्ट फंक्शन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सेल आर्गेनेल हैं, कुछ सेल आर्गेनेल हैं, सम सेल आर्गेनेल, कुछ सेल आर्गेनेल हैं जो जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन बनाते हैं, तो ऐसे सेल आर्गेनेल जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो, ऐसे सेल आर्गेनेल जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, अगर किसी के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं तो वही क्या बनाएंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, एक खास बात तो ये हो गई। दूसरा सवाल, अब कौन कौन से सेल आर्गेनेल हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाने में कई लोग हैं, जैसे सबसे पहला नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक दूसरा जो नाम आता है वो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है या गॉल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, तीसरा जो नाम आता है वो है लाइसोसोम, और फोर्थ जो नाम है वो है वैक्यूल। ठीक है, अब सवाल ये है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये फोर सेल आर्गेनेल आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, और ये क्यों आते हैं, क्योंकि इन सब के फंक्शन आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन लेकिन तीन लोग और हैं जो कहते हैं ना हम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन नहीं है, तो नहीं में तीन नाम याद रखेंगे, एक माइटोकांड्रिया याद रखेंगे, दूसरा क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे, और तीसरा पराक्सीसोम। अगर पराक्सीसोम ना मिले तो माइक्रो बॉडीज कह दीजिएगा,
ठीक है, ये लोग पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब का इससे कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये मोटा मोटा दिमाग में आप रख लेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, आते में कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, और ना आते में कौन कौन से हैं, माइटोकांड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पराक्सिसोम है और माइक्रो बॉडीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।